नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पर्यटकों को अगले साल यहां मिलेगा 4-स्टार गेस्ट हाउस। अगले 3 वर्षों में बिहार के लाखों किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। विवाहित महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार ने साफ की स्थिति। सुपरचार में आज भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। पितृपक्ष मेला के दौरान शहर में दौड़ेगी 103 रिंग व CNG बसें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पर्यटकों को अगले साल यहां मिलेगा 4-स्टार गेस्ट हाउस। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार पर्यटक स्थलों पर लगातार काम कर रही है। वहीं पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि गया, राजगीर और नालंदा के पर्यटक स्थलों पर देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पर्यटकों के लिए बोधगया में एक G+7 अतिथि गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इस अतिथि गृह में सभी सुविधायुक्त 2 रेस्टोरेंट, 1 एग्जीबिशन कम बिजनेस सेंटर का निर्माण होगा। यह पूरा एरिया पूरी तरह से वाईफाई जोन में होगा, जहां लोगों को इंटरनेट की असुविधा नहीं महसूस होगी, जिसका काम अगले साल पूरा कर लिया जाएगा। भवन निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से कार्यस्थल का निरीक्षण हो रहा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सबा करीम की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक हस्ती की, सबा करीम की। हम बात करेंगे बिहार के सईद सबा करीम के बारे में, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। सईद सबा करीम का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 नवंबर 1967 को हुआ था। सबा करीम का पूरा नाम सईद सबा करीम है। सबा करीम दाएँ हाथ के बल्लेबाज और एक विकेट कीपर थे। उन्होंने क्रिकेट के अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया। सबा करीम को वर्ष 2018 में ABCCI का नया जनरल मैनेजर बनाया गया, जिसमें क्रिकेट विभाग को रणनीति दिशा देना, परिचालन योजना को लागू करना, बजट बनाना, मैच खेलने के नियमों के अनुसार स्थलों के मानकों तथा घरेलू कार्यक्रम के प्रशासन की निगरानी और निर्धारण करने की भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। पितृपक्ष मेला के दौरान शहर में दौड़ेगी 103 रिंग व CNG बसें। विश्व प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला आगामी 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। मेला के दौरान तीर्थयात्रियों की संभावित भीड़ और उनकी सुविधा को देखते हुए पर्यटन विभाग के साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित पिंड वेदियों तक पिंडदानियों को पहुँचाने के लिए मुकम्मल परिवहन की व्यवस्था की गई है। 17 दिवसीय पितृपक्ष मेले में गया की सड़कों पर सरपट 103 रिंग बसें दौड़ेंगी। इनमें से 15 की संख्या में CNG बसें भी शामिल हैं। CNG बसें विष्णुपद व बोधगया के बीच चलाई जाएंगी। इन बसों की मॉनिटरिंग निगम प्रशासन करेगा। सभी CNG बसें 30 सीटर होंगी। यही नहीं, विष्णुपद मंदिर तक पहुंचने के लिए 50 निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। ई रिक्शा के यात्रा करने वाले किसी भी पिंडदानी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बक्सर बलिया के बीच गंगा नदी पर बनेगा 8-लेन पुल। बक्सर बलिया सहित उन बिहारवासियों के लिए अच्छी खबर है जिनका दिल्ली बिहार में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि आने वाले सालों में उनका सफर और भी आसान होने वाला है। दरअसल भड़ौली और हैदरिया के बीच 8-लेन पुल बनाने के लिए 2025 तक लक्ष्य तय किया गया है। यह गंगा नदी पर राज्य का 19वां नया पुल होगा। इसके बन जाने से इसकी कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हो जाएगी। पटना से दिल्ली आने जाने वालों के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। 8-लेन का पुल होने से ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी और आवागमन में सुविधाओं की। इस 4-लेन सड़क का निर्माण अगले साल मार्च में शुरू होने की संभावना है। अगले 3 वर्षों में बिहार के लाखों किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिहार के किसानों को कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़ जैसे हालातों में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस बार राज्य भर में पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से धान की रोपनी के लिए किसानों ने परेशानियां झेली हैं, लिहाजा किसानों के धान की खेती का बिचड़ा खेत में ही सूख गया। ऐसे में किसानों का एकमात्र सहारा खेतों में लगा पंप सेट रह गया। ऐसे में बिहार में किसानों के हित में और प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। हर खेत को पानी देने के अंतर्गत BSPHCL ने अगले 3 वर्षों में 4,50,000 नए किसानों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में वर्ष 2016-17 में मात्र 84,023 किसानों को बिजली दी गई है।
BSNL ने अप्रेंटिस पद के 34 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। भारत संचार निगम लिमिटेड उत्तराखंड रीजन ने विभिन्न डिसिप्लिन में डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 34 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bsnl.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पटना में फिर से शुरू होने जा रही है टॉय ट्रेन की छुक छुक। पटना जू लगभग 8 साल के बाद एक बार फिर से टॉय ट्रेन का लुत्फ लेने का मौका मिलेगा। जी हां, जू प्रशासन ने इसके लिए अब कमर कस ली है। इसके लिए पटना जू में टॉय ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक लगाना होगा, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। पहले से मौजूद ट्रैक में लगी लकड़ियां लगभग सड़ चुकी हैं, इसलिए वहां नए ट्रैक लगाए जाएंगे। इसके लिए दानापुर रेल मंडल के इंजीनियर पटना जू में आकर टॉय ट्रेन शुरू करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। पटना जू में सर्वे किया जा रहा है, जिसका काम 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नया ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2014 में ही टॉय ट्रेन का इंजन खराब होने के बाद से बंद पड़ा है। सुपर फोर में आज भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एशिया कप के महत्वपूर्ण मुकाबले में शुक्रवार को हांगकांग पर 155 रनों से एक तरफा जीत दर्ज करते हुए सुपर चार चरण में प्रवेश कर लिया है, और इसी के साथ अब पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर से भारत से होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें होती हैं। लोग भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला फाइनल की तरह देखते हैं। इस लिहाज से यह मुकाबला दोनों टीमों पर एक बार फिर से प्रेशर डालेगी। वहीं भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से दुबई नेशनल स्टेडियम में होगा। मैच आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही फोन पर देख पाएंगे। वहीं टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। विवाहित महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार ने साफ की स्थिति। विवाहित महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। दरअसल बिहार सरकार ने साफ किया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया जाता है, तो उनके द्वारा पेश किए गए दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर विवाहित महिला भले ही पति के आवास पर रह रही हो, पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो उन्हें लाभ मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, आयोग के सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। इन 24 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। राज्य में मौसम ने एक बार फिर से करवटें ली हैं। इसके बाद राज्य भर में बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इसी के साथ राज्य के अधिकतर जिलों में बीते दिन बारिश के तेज बौछारों ने भिगोया। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, किशनगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर समेत अन्य जगहों पर मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। कुछ इलाकों में ठनका गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। लोगों से खराब मौसम में खुले में न निकलने की अपील की गई है। विकास के कार्यों से बिहार सरकार पीछे हटी तो भुगतना होगा बुरा परिणाम। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार को चेताया है कि अगर बिहार सरकार विकास के कार्यों से पीछे हटी तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर के धमौन में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विकासात्मक कार्यों में यदि बिहार सरकार बाधा पहुंचाती है तो उसे इसका कुपरिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में बड़े पैमाने पर विकासात्मक कार्य चला रही है, इसका लाभ हर तबके को मिलेगा। उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं की मांग पर कहा कि प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसमें धमौन चौड़ के 2000 एकड़ से अधिक भूभाग से जल निकासी के लिए विस्तृत रूप से योजना बनाई जाएगी।
बौद्ध मोनास्ट्री से चुरा लिया गया 6 लाख का घंटा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया स्थित थाईलैंड के हुबा बुजुमताई मोनास्ट्री में घंटा चोरी होने का मामला सामने आया है। मोनास्ट्री में अधिकांश म्यांमार के बौद्ध भिक्षु रहते हैं। यह मोनास्ट्री म्यूजियम के चारदीवारी से सटे मस्तीपुर जाने वाले मार्ग में है। मोनास्ट्री में रहने वाले बौद्ध भिक्षु सुबह उठे तो धर्म घंटा को गायब पाया। इसकी सूचना मोनास्ट्री के प्रभारी भंते विनय को दिया गया। इस घटना से मोनास्ट्री के भिक्षुओं की आस्था पर ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि धर्म घंटा का वजन लगभग 4 क्विंटल था जो अष्ट धातु का बना था, जिसकी अनुमानित कीमत 5 से 6 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर बोधगया थाने की पुलिस को आवेदन के माध्यम से सूचना दी गई है। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान को दी अंतिम विदाई। भारत माता की रक्षा के लिए बांका के रजौन प्रखंड के सकहरा गांव के रहने वाले आर्मी राजेश कुमार चौधरी का पुत्र सुधांशु कुमार ने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बीते दिन शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जिसके बाद शहीद की एक झलक पाने के लिए गांव के हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताते चले कि बांका जिला के रजौन के सकहरा के रहने वाले सेना के शहीद जवान सुधांशु कुमार का अंतिम संस्कार शहर के बरारी घाट में किया गया। जवान के दादा ने जहां उन्हें मुखाग्नि दी, वहीं सेना के जवानों ने शहीद जवान को सलामी दी। बताते चले कि 21 अगस्त को बॉयलर फटने से वो बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। कड़कड़गढ़ जलप्रपात इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है कड़कड़गढ़ जलप्रपात। कैमूर के कड़कड़गढ़ जलप्रपात को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। खास बात यह है कि इन दिनों बारिश में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। कैमूर जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूरी पर कड़कड़गढ़ जलप्रपात है। यहाँ इको टूरिज्म पार्क मगरमच्छ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। पर्यटकों के लिए यहाँ रात को भी रुकने के लिए कैंपिंग की व्यवस्था की जा रही है। बरसात के मौसम में जलप्रपात की खूबसूरती देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस जलप्रपात ही पानी नीचे जाकर कर्मनाशा नदी में मिल जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान, भाजपा को 50 सीटों पर निपटाने का लक्ष्य। बीते दिन बिहार में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पटना में जदयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मात्र 50 सीट पर सिमटा देना है। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हर जदयू का नेता और कार्यकर्ता सतर्क रहें, अगले 2 साल तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने 50 लाख पार्टी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखते हुए सभी से जदयू को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं बिहार दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके आने का वक्त देखिए। वहीं बैठक से पहले कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखने को लेकर जमकर नारा लगाया। लंपी वायरस को लेकर सतर्क हुई सरकार। पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। पशुपालन विभाग ने अधिकारियों व पशु चिकित्सकों को सतर्कता और विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। संक्रमित गौवंशीय और महिषवंशीय पशुओं के इलाज के लिए समन्वय स्थापित करते हुए तमाम इंतजाम सुनिश्चित एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बीमारी के खतरे को भांपते हुए राज्य स्तर पर पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन निदेशक ने प्रदेश स्तर, प्रमंडल और जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी को नामित करने और तीनों स्तर पर RRT रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना स्थित नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 0612-222-6049 जारी किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम का दावा, 2025 चुनाव अपने दम पर जीतेगी भाजपा। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का दावा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर जीत दर्ज करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक जमुई विधायिका सुरेशी सिंह के गिद्धौर स्थित लाल कोठी आवास पर जिलाध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक का उद्घाटन भाजपा नेत्री व बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह सहित जिला प्रभारी कुमार प्रणय ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा अपने बूते पर लड़ेगी और बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा का मंत्र है बूथ जीतो चुनाव जीतो और हम उसी मंत्र पर आगे काम कर रहे हैं। मणिपुर सियासी प्रकरण पर बोले नीतीश कुमार, ये हो क्या रहा है।
बिहार में जदयू भाजपा का मुंह भंग होने के बाद भाजपा ने मणिपुर में अब खेला कर दिया है। जदयू के 5 और विधायकों को अपने साथ शामिल कर लिया है। इसके बाद नीतीश कुमार ने इस पर बयान दिया है। बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने मणिपुर सियासी प्रकरण पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ, पार्टी देखेगी कि आगे क्या करना है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि ये हो क्या रहा है, जरा सोच लीजिए, किसी तरह दूसरी पार्टी के जीतने वाले लोगों को अपनी तरह ले रहे हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि हालात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम पर फर्जीवाड़ा। आए दिन सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फर्जीवाड़े किए जाते हैं, लेकिन शायद ही हम और आप में से कोई सोच सकता था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के नाम से फर्जीवाड़ा भी किया जा सकता है, और ऐसा ही कुछ साइबर ठगों ने किया है। दरअसल राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया गया है जिसमें RZD ग्रुप करके एक अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव है, उसमें लिखा है कि हमसे जुड़ने के लिए निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें, जिसे राजद के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से की गई पोस्ट के माध्यम से खारिज किया गया है। उन्होंने बताया कि निम्नलिखित 3 नंबर ही राष्ट्रीय जनता दल अथवा श्री तेजस्वी यादव जी से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी उपलब्ध हैं। भाजपा ने जदयू को दी चेतावनी, कहा अभी और कारामात होगा। मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार के सियासत में जो खलबली मची है वो देखा जा सकता है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है और साथ ही जदयू को चेतावनी दे डाली है, और इस सारे इशारों में ही कह डाला है कि अभी जदयू के और भी विधायक भाजपा में शामिल होने वाले हैं। दरअसल शुक्रवार को मणिपुर में हुए सियासी खेला के बाद बीते दिन शनिवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ चुकी है और पार्टी राष्ट्रहित में काम कर रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। नीतीश कुमार ने तो सभी का विश्वास खो दिया है, इसलिए अभी और कारामात होगा। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सुशील मोदी। राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने सुशील मोदी के बारे में बताया कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। दरअसल रितु जायसवाल ने कहा कि सुशील मोदी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। रात को 2 बजे भी वह ट्वीट करने लगते हैं जो उनकी हालत को बताता है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि आज भाजपा जिस तरह से मणिपुर में जदयू के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने का काम किया है, वह उनके चरित्र को दिखाने का काम कर रहा है। भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है, उन्होंने महाराष्ट्र में यही किया, मध्य प्रदेश में भी विधायकों को तोड़ा, झारखंड में भी साजिश रची, बिहार में भी यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। भाजपा ने आरक्षण के मुद्दे पर ललन सिंह को घेरा। बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर ललन सिंह को घेरा है। भाजपा द्वारा लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार पर हमला जारी है। बीजेपी ने ललन सिंह पर सीधा प्रहार किया है। भाजपा ने पूछा है कि आप तो NDA सरकार की पंचायती आरक्षण नीति का विरोध किया था, क्या आप आरक्षण विरोध की नीति पर कायम हैं? दरअसल बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने ललन सिंह से पूछा है कि आदरणीय ललन सिंह जी पान गुटखा चबाते हैं पर कही गई बात थोड़ी ही खा पचा सकते हैं। आप सितंबर 2010 में अखबार के इंटरव्यू में आपने सत्य कहा, जदयू एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इंटरव्यू में आपने NDA सरकार की पंचायती आरक्षण नीति का विरोध किया, क्या आरक्षण विरोध की नीति पर कायम है? आप भी करते हैं UPI का इस्तेमाल, तो रखें इन बातों का ध्यान। आज के टाइम में लोग पैसे के लेन देन के लिए गूगल पे और फोन पे का यूज़ करते हैं। वही गूगल पे और फोन पे के आने से ऑनलाइन ठगी के मामले में भी तेजी आई है। ऐसे में आम लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आपको इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। पहला, गूगल और फोन पे चलाने वाले यूज़र्स UPI एप्लीकेशन को हमेशा लॉक करके रखें। दूसरा, पैसे भेजने से पहले UPI ID को वेरीफाई करना ना भूलें। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को आप अपना फोन पे गूगल पे का पिन शेयर ना करें। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे किराए के मकान पर लगने वाले टैक्स के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे किराए के घरों पर लगने वाले 18% की टैक्स के बारे में। दरअसल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा एक
ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक वायरल संदेश में ये दावा किया जा रहा है कि आपके घर का किराया अब 18% बढ़ जाएगा क्योंकि मोदी सरकार अब किरायेदारों से उनके मकान के किराए पर GST वसूलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आवासीय इकाई का किराया केवल तभी कर योग्य है जब इसे व्यवसाय के लिए किराए पर दिया जाता है। निजी इस्तेमाल के लिए निजी व्यक्ति को किराए पर देने पर GST नहीं लगेगा। यह दावा बिल्कुल फर्जी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1897 में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। 1898 में भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ था। 1916 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म हुआ था। 1943 में भाषा विज्ञान कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय विमलेश कांति वर्मा का जन्म हुआ था। 1945 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशील कुमार का जन्म हुआ था। 1902 में साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था। 1963 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अविकल्पक पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 1982 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास का निधन हुआ था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुटु रंगीला, शशि पटेल, शंकर मुखिया, पंकज कुमार दास, अर्जुन मांझी, राजकुमार दास, विशाल पांडे, उपेंद्र कुमार, रंजन कुमार, मोतीलाल सिंह, विशाल पांडे, अनिल वर्मा और विकास प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार एशिया कप 2022 के सुपर चार भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।